हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा छठवीं की हिंदी दूसरी इकाई पाठ नौ, वह देश कौन सा है। सो इसका हम देखने वाले हैं एक्सप्लेनेशन। डाइजेस्ट आंसर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। वीडियो हाई रेजोल्यूशन पे देखना है, मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे, ठीक है। तो आपको वीडियो क्लियर दिखेगा, 720p या 1080 पे आप देखोगे तो एकदम क्लियर दिखेगा। चलिए पहले देख लेते हैं हम जो लेखक हैं उनके बारे में। इसे लिखा है राम नरेश त्रिपाठी ने, यानी कि इसके जो पोएट हैं, कवि हैं, वो राम नरेश त्रिपाठी है उनका नाम। इनका जन्म 4 मार्च 1889, मृत्यु 16 जनवरी 1962 में हुई थी। इनकी रचनाएं हैं, यानी जो इन्होंने लिखा है, मिलन, स्वप्न, पथिक, मानसी आदि कृतियों के अतिरिक्त आपने बालोपयोगी, यानी बाल उपयोग यानी बच्चों के लिए साहित्य भी लिखा है। इनका परिचय क्या है? आप राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, और इस कविता में भारत की महिमा यानी उसकी ग्लोरी के बारे में, उसकी ब्यूटी जो है, सुंदरता, उसके बारे में बताया गया है। डाइजेस्ट आंसर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, और वैसे भी मैंने जो भी क्वेश्चन है आपके वो भी पहले बनाए थे, फिर आपने कमेंट्स किए कि आपको डाइजेस्ट आंसर चाहिए, तो मैंने डाइजेस्ट आंसर भी प्रोवाइड कर दिया है। सारे सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे डाइजेस्ट आंसर एक्सप्लेनेशंस, हर एक सब्जेक्ट के लेवल प्ले लिस्ट बने हुए हैं, आप देख सकते हो। ओपन बुक, क्लोज बुक हर एक सब्जेक्ट का है, वो भी देख लेना आप, ओके। चलिए देखते हैं, पहली चीज़ हम इसको गा के देखेंगे कविता को। कैसे? अच्छे से गाओगे तो आपको फटाक से लर्न हो जाएगा। आप 2-3 बार सुन लोगे ना वीडियो तो आपको लर्न हो जाएगा। आपका ओरल भी ले सकते हैं इस कविता का। तो चलिए हम इसको गा के देख लेते हैं, ओके। चलिए आप भी ऐसे ही गा के देखिए, आप भी जैसे मैं गाऊंगी वैसे आप भी रिपीट करके इसे अच्छे से सुनिए ताकि आपको भी याद हो जाए। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है, जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज में वे, सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। मैदान गिरिवनों में हरियालियाँ लहरती, आनंद में जहाँ है, वह देश कौन सा है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमन, वह देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्यता रहेगा, जन जन का दुलारा, वह देश कौन सा है। नवक्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया इसको गा के, बहुत अच्छी पोयम है, आप भी इसी तरीके से गाइए। अभी हम इसका एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे और एक्सप्लेनेशन में आपको डाइजेस्ट का जो मीनिंग दिया है वो भी यहाँ पे शो करूँगी, ताकि आप उसे देख के लिख सको, ठीक है। क्योंकि आपको आता है अर्थ लिखने के लिए, सारांश लिखने के लिए, कविता का पंक्तियों का भावार्थ लिखने के लिए, तो मैं आपको मीनिंग सहित आपको दिखाती भी जाऊंगी, ठीक है। तो देखो, मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। तो देखिए, मनमोहिनी यानी जो मन को मोह दे, जो मन को एकदम से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, ऐसी प्रकृति यानी कि मनमोहिनी प्रकृति की, उसकी जो गोद में यानी चारों तरफ हरियालियाँ हैं, उसकी गोद में जो बसा है, जहाँ पे स्वर्ग जैसा सुख है, ठीक है, जहाँ पे स्वर्ग जैसा सुख है, वह देश कौन सा है। यानी कि वह ऐसा देश कौन सा है जो मनमोहिनी प्रकृति की गोद में है और वहाँ पे स्वर्ग जैसा सुख है, ठीक है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, वह कौन सा देश है जो सुंदर मनमोहक प्रकृति के गोद में बसा है, जहाँ स्वर्ग जैसा सुख है। तो ये किस लाइन का हुआ? इन दोनों लाइन का हुआ,
जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। अब देखिए, निरंतर यानी कंटिन्यूसली, लगातार, जिसके चरण यानी जिसके पैर रत्नेश, रत्नेश कौन है, समुंदर, ठीक है, समुंदर रत्नेश धो रहा है, रत्नेश समुंदर है, जिसका मुकुट हिमालय है। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, हमारा देश ये ऐसे, ये वाला पार्ट है, ठीक है, और लास्ट में, लास्ट का पार्ट मैं बताऊँगा आपको, तो ऐसे नीचे है, तो यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे समुंदर है, ठीक है, समुंदर है, इसीलिए बोला है समुंदर पैर धो रहा है, क्योंकि ये नीचे का पार्ट है, नीचे का पार्ट पैर होता है, ठीक है। और ये मुकुट इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे हम, यहाँ पे रेंजेस, हिमालय रेंजेस हैं, हिमालय की पूरी पहाड़ियाँ हैं, तो मुकुट यहाँ पे बताया गया कि जिसका मुकुट हिमालय है, हम बोलते हैं ना भारत माता, उसको हम देवी की तरह देखते हैं, तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जिसका मुकुट हिमालय का, जिसका मुकुट हिमालय हो, ठीक है, मुकुट ऐसा ही रहता है ना, ऐसे ऐसे ही होता है ना, मुकुट ऐसे सजा रहता है, ऐसे इसमें डिज़ाइन विज़ाइन रहता है, तो पहाड़ भी तो ऐसा ही है, ठीक है, इसलिए तो बोला है। और ये ऊपर से क्या है कि ये सर पे है, तो अगर हम देखें तो अगर सर, ये वाला पार्ट हुआ सर का, नीचे का पार्ट या ये जो होता है हमारा पूरा इंडिया का नीचे वाला पार्ट, महाराष्ट्र, उसके नीचे साउथ, फिर उसके नीचे जो नीचे का एकदम पार्ट है, तो वो पैर हमने उसको कंसिडर किया है। तो जिसका, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। तो वो कौन सा देश है जिसके पैर हमेशा समुंदर धो रहा है और जिसका मुकुट हिमालय, स्वयं हिमालय है। तो देखो, वह कौन सा देश है जिसके चरण निरंतर समुद्र धो रहा है और हिमालय जिसके मुकुट के समान है, तो वह देश कौन सा है। तो इसका मीनिंग वो लाइन हुआ जो मैंने बताया, नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं। नदियाँ यानी नदियाँ, जैसे हम गंगा को क्या मानते हैं, पवित्र नदी है, जो जो जिसका पानी अमृत के समान है, उसको अगर कंटिन्यू अगर जो पीता है, अभी तो काफ़ी पोल्यूशन डाल दिया है, लेकिन अगर जब शुद्ध है नदी, फिर भी आज हम देखते हैं कि उसके अगर हम पानी लेके आके रखते हैं जहाँ से, गंगोत्री वगैरह से, तो उसके जल ऐसे ही पड़े रहते हैं, उसमें कीड़े नहीं पड़ते। तो क्या है, सुधा यानी अमृत, तो नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। तो इसका भी देख लेते हैं, वह कौन सा देश है जिसे अनेक नदियाँ अमृत जैसे जल से सींचती है और उसे सुंदर बनाती हैं। हमें पता है हमारे देश में बहुत सारी नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती, कृष्णा, घाघरा, ब्रह्मपुत्र, बहुत सारी नदियाँ हैं, और इन नदियों की वजह से ही हमारा जो, हमारी जो ज़मीनें हैं वो फर्टाइल हैं, ठीक है, और लोग वहाँ पे खेती कर रहे हैं। तो वही बोला है कि सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है, वह ऐसी कौन सी, कौन सा देश है जहाँ पे, जहाँ की जो नदियाँ हैं अपने अमृतमय पानी से, अपने अमृतमय जल की धारा से हम उस देश को सींच रही हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। जिसके बड़े रसीले फल, कंद नाज मेवे, सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है। जहाँ, वह ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे रसीले रसीले फल हैं, कंदमूल यानी कि फल फ्रूट, मेवे यानी हम देखते हैं हर तरीके के ड्राई फ्रूट्स हमारे यहाँ पे हैं, नाज यानी अनाज, और हर एक अंग में सजे हैं यानी कि हर एक जगह पे। अब यहाँ पे अंग का मतलब क्या है कि हमारा जो पूरा देश है, पूरे देश में कहीं ना कहीं अलग अलग चीज़ों की खेती होती है। जैसे यहाँ पे अगर देखो मुंबई में, तो आपको मुंबई में नागपुर का जो आपका ऑरेंज है, अलग जगह पे वो हो गया, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे चावल बहुत उगाया जाता है, साउथ में चावल उगाया जाता है, वहीं अगर हम पंजाब, यूपी, बिहार में देखें तो गेहूं बहुत उगाया जाता है। तो जितने भी हमारे स्टेट है, जितने भी अलग अलग गांव हैं, हर जगह पे कुछ ना कुछ अलग चीज़ें उगाई जाती हैं। तो इसका भी हम देख लेते हैं आंसर। ये वाला आंसर है इसका, ठीक है, यहाँ से लेके मेवे उत्पन्न होते हैं जहाँ विविध प्रकार के सुंदर तथा सुगंधित फूल खिलते हैं। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है, जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे। प्रसून का मतलब क्या होता है, फूल। प्रसून के बहुत, फूल के बहुत सारे नाम हैं, जैसे प्रसून, कुसुम एंड पुष्प, और फूल कुसुम प्रसून, हाँ ये सब उसके नाम हैं पुष्प के, फूल के। तो जिसमें सुगंध वाले यानी सुगंधित फूल हैं, प्रसून प्यारे, जहाँ पे सुगंधित प्यारे फूल हैं, और दिन रात हंस रहे हैं यानी सुगंधित पुष्प हमेशा हंस रहे, चारों तरफ फूल खिले हैं, वह देश कौन सा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का अभी मैंने आपको वो लाइन दिखाया था अंडरलाइन करके, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, इसे आप बनाइए, अपने ड्राइंग करिए इसका। मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहरती, आनंदमय जहाँ है, वह देश कौन सा है। मैदानों में, पर्वतों में, गिरी यानी पर्वत पहाड़,
वनों में जहाँ पे हरियालियाँ ही हरियालियाँ लहरा रही हैं, जहाँ पे आनंद ही आनंद है, तो वह कौन सा देश है ऐसा? तो यहाँ पे देख लो, देख के लिख लो, वह कौन सा देश है। अच्छा ये तो मैंने बता दिया, इसके पहले वाला जो पैराग्राफ पढ़ा था वो है। अभी यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, वह कौन सा देश है जहाँ मैदानों, पर्वतों तथा वनों में हरियालियाँ ही हरियालियाँ हैं, यानी हरियाली लहराती है, तथा जहाँ हर जगह आनंद ही आनंद है। ठीक है, ये उस लाइन का हुआ। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है? तो देखो, जिसके अनंत धन से, अब हमारे, आपको पता है अगर देश को इतना लूटा नहीं गया होता तो पूरी दुनिया में सबसे मोस्ट रिचेस्ट अगर हम बोलते कोई कंट्री होती तो हमारी होती। तो वो संसार का शिरोमणि है। शिरोमणि क्यों बोला गया है? शिरोमणि यानी सिर का जो मणि के समान होता है। ठीक है, तो हमारे ही देश में सबसे पहले अगर हम देखें तो सारी चीज़ें जो योग हैं, आयुर्वेद हैं, इलाज है, आप देखोगे जो नई नई चीज़ें बाद में आई वो सारे कॉन्सेप्ट इंडिया में बहुत पहले थे। तो टेक्स्ट हमारे बताते हैं, हमारे ग्रंथ बताते हैं, तो हमारा जो देश है वो संसार का शिरोमणि है, गुरु है, विश्व गुरु है। ठीक है, आज हमारी जो कंडीशन है ऐसी नहीं होती अगर यहाँ पर इतने इसका शोषण नहीं हुआ होता देश का, तो इसका भी हम देख लेते हैं। ये देखो वह कौन सा देश है जिसकी पृथ्वी विभिन्न प्रकार के खनिजों से भरपूर है, जो संसार के सभी देशों में सर्वोत्तम है, शिरोमणि यानी सर्वोत्तम है। तो इसका आंसर यही हुआ, जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, यानी इसका आंसर, इसका अगर आपको भावार्थ आएगा या इसका मीनिंग बोले तो यही, यहाँ से लेके यहाँ तक, सर्वोत्तम यानी शिरोमणि, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। सबसे प्रथम जगत में, जगत यानी दुनिया, संसार सभ्य था, रहेगा। अब सभ्य कैसे था? अब हमारे यहाँ पे आप देखोगे हड़प्पा मोहनजोदड़ो आपने पढ़ा है, 600 में है ही, तो वहाँ पे इतने सालों पहले अगर हम देखिए, 5000 साल पहले, 4000 साल पहले, वहाँ पे हमें आज की कंडीशन की सारी चीज़ें मिल रही है, स्विमिंग पूल इतना बड़ा, ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, सारी चीज़ें। तो सभ्य था हमारा देश, तो वो पता चलता है हमसे, हमें। और अगर हम देखिए जो बड़े बड़े मंदिर हैं, आपको जो, अगर आपको इंडिया की टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है, इंडिया के आर्किटेक्चर के बारे में जानना है, कंस्ट्रक्शन, आप देखोगे जो बहुत पुराने पुराने मंदिर हैं वहाँ पे आपको बहुत नॉलेज मिल सकती है, लेकिन उसको समझना ज़रूरी है। वहाँ पे हर एक जो भी स्ट्रक्चर है, हर एक मूर्ति, हर एक साइन का वहाँ पे कुछ ना कुछ मीनिंग है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्यता रहेगा, जन जन का दुलारा, वह देश कौन सा है? जो सबका प्यारा है वह देश कौन सा है? इसका मीनिंग देख लेते हैं। मैं आपको मीनिंग समझा दे रही हूँ, मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि आप देख के इसका मीनिंग लिख लो, क्योंकि बच्चे बोलते हैं मिस इसको बताइए, लिख के बताइए कि हम लिख लें, इसलिए मैं हर एक पैराग्राफ का, हर एक लाइन का मीनिंग बता रही हूँ। अभी जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले का देख लीजिए। नवक्रांति के पुजारी, सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है? अब यहाँ पे आंसर बता दिया हमने, अभी तक देख रहे थे वह देश कौन सा है, वह देश कौन सा है, वह देश कौन सा है पूछ रहे थे। अब हमने बताया नवक्रांति के पुजारी, यानी कि नई क्रांति लाने वाले, नई खोज लाने वाले, नई सोच विचार लाने वाले, वो सेवक यानी हमारे इंडियन जो लीडर्स थे, इंडियन जो हमारे जो क्रांतिकारी थे, जो इंडिया की आज़ादी में जो अपना योगदान देने वाले, वो सपूत, वो भारत माँ के बेटे, सपूत यानी पुत्र, सपूत, ठीक है। तो नवक्रांति के पुजारी, सेवक सपूत जिसके, भारत सेवा यानी भारत के अलावा वो देश कौन सा हो सकता है? तो इसका आंसर देखो, जिनके सपुत्र अपने देश के सेवक और नवीन विचारों के पोषक हैं, वह भारत के अतिरिक्त कौन सा देश हो सकता है? टफ वर्ड्स की मीनिंग यहाँ पे देख लो, मैंने तो सबका बता ही दिया है और यहाँ पे दिया हुआ है, और डाइजेस्ट आंसर में आपको मिल जाएगा, वो भी आपको हर एक वीडियोज़ आपको हाई रेजोल्यूशन पे देखना है ताकि वीडियोज़ क्लियर दिखें। और यहाँ पे सबके टफ वर्ड्स की मीनिंग दिए गए हैं, सबके आंसर्स क्लियर हैं, ओके। और यहाँ पे देख सकते हो सारे आंसर्स हैं, कोई डाउट रहे कॉमेंट पूछिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए, और कोई वीडियो चाहिए तो इसी तरीके से आप कमेंट में बताते रहिए। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना आपके, जैसे अब देखो यहाँ पे हिमालय की बर्फ़ अगर पिघलना बंद हो जाए तो क्या हो जाए, ये इसका आंसर सबका डाइजेस्ट आंसर में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। कोई भी वीडियो आपको चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप कॉमेंट सेक्शन में बताइए, आपको मिल जाएगा कोई भी सब्जेक्ट का, ठीक है।